तो भाई हम अपना मिशन करेंगे स्टार्ट सिर्फ 50 रुपये से। अब 50 रुपये से स्टार्ट करके हम लेके जाएंगे अपने मिशन को सीधा 1000 तक, ठीक है, और वो भी अपनी मेहनत से। तो भैया आ गई एक राइड, 122 रुपये की राइड आ गई, उठा ली फटाफट। तो भाई साहब मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया, मिशन फेल हो चुका है मेरा, और कैसे फेल हुआ है कैसा नहीं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं किसी मिशन पे, ठीक है, मिशन क्या है क्या नहीं वो हम आपको वो देने वाला है, टास्क देने वाला है कि मैं रैपिडो में वो करने वाला हूँ, रैपिडो और उबर में है। अच्छा, वो भी डोमिनार से भाई, वो खड़ी डोमिनार। जय श्री राम, सब भाई राम, हम कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो है इम्पोर्टेंट, ठीक है, और इम्पोर्टेंट कैसे है कैसा नहीं वो आप लोगों को खुद पे खुद पता लग जाएगा, और आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, ठीक है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सिर्फ 50 रुपये से, ठीक है, 50 रुपये से हम कमाएंगे, कहाँ तक पहुँचेगी हमारी गाड़ी, 1000 रुपये तक, ठीक है। तो कोशिश ये है कि हम 1000 से भी ऊपर तक लेके जाएँ अपनी गाड़ी, चलते हैं फटाफट से, क्योंकि मैं तो ना धोके एकदम हो गया हूँ रेडी, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँगी टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं। तो भाई टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं, और यहाँ से अब मैं निकलता हूँ फटाफट से सीधा रेडी वगैरह होके, अब मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली सीधा बाहर, और राम जी की कृपा हुई तो आज का भी दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा। तो जय श्री राम। तो भाई साहब बर्थडे वाले दिन तो इसने टोपी तो खैर नहीं पहनी थी, क्योंकि टोपी पहनने में ड्रामा कर रहा था बर्थडे वाली, और यहाँ पर खुद देखो टोपी पहन के और वो भी नंगा नंगा बैठा, पाउडर लगा रहा है, पाउडर लगा रहे बहू के। देखो देख लो, और ये जो टोपी जो लगाई है ना, ये यहाँ के बाबा ने लगाई ये टोपी, है भाई बाबा कहने से पहन ली। हंस के तो आई है, देख रहे हो मैं कैसे हंस रहा है तुम, छूचू का लगा रहा, छूचू पकड़ा के इसने। कच्चा पहनाओ जल्दी फटाफट इसको, कच्चा पहनो। मैं जब आया, जब कैमरा नहीं था तो देखा तो इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका थोड़ा बहुत सीन ले ही लेता हूँ, है ना। यस, क्योंकि ये इतना प्यारा है कि बहुत ज़्यादा प्यारा, और ये उठा भी बताऊँ कैसे है, जब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था ना तो कैमरे की आवाज़ सुन के और ये तुरंत की तुरंत उठ गया, और इसको पता है कि चाचा ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, चलो बाय। तो भाई हम अपना मिशन करेंगे स्टार्ट सिर्फ 50 रुपये से, और 50 रुपये से स्टार्ट करके हम लेके जाएंगे अपने मिशन को सीधा 1000 तक, ठीक है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम 50 रुपये का बनाएंगे 1000 रुपये, और वो भी अपनी मेहनत से, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे पेट्रोल पंप, 50 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे, और 50 से कमाएंगे हम 1000। तो कोशिश यही है कि हम 1000 तक अपना टारगेट लेके जाएं। बस बने रहो ब्लॉग में, और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए ना तो भाई लाइक जरूर कर देना, चैनल पर अगर नए हो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन कर देना ऑल पे, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत की तुरंत मिले। तो भाई टाइम हो रहा है 10:01 हो रही है, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, देखो बाइक की चाबी एकदम ऑन है, बाइक में पेट्रोल नहीं है बिल्कुल भी, और लाल पे पड़ी है सुई, और एक चीज़ और मैन इसके स्विच में पड़ी हुई है, एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा मैन, जब पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो जाता तो ये झटके देती है, तो मैं फिर मैन में चली जाती है ये, तो अभी जो मैन में जो चली है ना, ये मैन में चल चुकी है 5 किलोमीटर, और बाकी जो चलेगी आगे को ये जाया चल पाएगी मिनिमम 3 किलोमीटर तक, और बाकी नहीं चल सकती है बाइक, क्योंकि बंद हो जाएगी, पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। तो मैं अब सीधा जा रहा हूँ पेट्रोल पंप, और इसमें डलवाते हैं हम 50 रुपये का पेट्रोल, और यहीं से ही अपनी ड्यूटी कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि अच्छी वाली हमें राइड मिल गई ना, एक लंबी वाली राइड, तो हम लंबी राइड को लेकर चल देंगे, जो 100 से ऊपर की राइड होगी, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर हमारी ऊबर भी ऑन हो चुकी है, हम सबसे पहले भैया अपनी ऊबर ही ऑन करेंगे, क्योंकि ऊबर में भैया राइड कैंसिल होने के कम चांसेस हो जाते हैं ऊबर में, और ऊबर अच्छे पैसे भी देता है हमें, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप, और अपनी बसंती में डलवाते हैं सीधा पेट्रोल, और यहाँ से पेट्रोल पंप है 2.5 किलोमीटर। तो भाई हम आ गए सीधा पेट्रोल पंप पे, और अब डलेगा बसंती में पेट्रोल सिर्फ 50 रुपये का, समझ रहे बात को, बड़े भाई डाल देना 50 रुपये का, ठीक है भैया। अब वीडियो बनाया, हाँ भैया वीडियो चालू है एकदम मेरी, ठीक है भैया, पेट्रोल भी हो रहा है मेरा, और इधर राइड बज रही है, हो गया जी हमारा 50 रुपये का पेट्रोल, ये लो भैया 50 रुपये, चलो जी हमारा 50 रुपये का पेट्रोल डल चुका है, और अभी भी हम बाइक को ना मैन में रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमने रीजर में लगा देना ऊपर तो ये बाइक ना झटके देना चालू हो जाएगी, तो इसलिए मैन में रहने देंगे, क्योंकि यार कस्टमर को बैठाऊँगा और ये झटके देगी बाइक तो अच्छा भी नहीं लगेगा, समझे हो ना बात को।
तो भैया आ गई है एक राइड, 122 रुपए की राइड आ गई, उठा ली फटाफट, मिनट से पहले राइड उठ गई है। जय सिया राम। चलो उठाते हैं भैया कस्टमर को। टावर नंबर 6 पे हम आ चुके हैं, तो हमारे कस्टमर भी आने। उठे बताइए। 5 मैडम बताते हैं कहाँ पे आए भाई। तो भाई हमारी पेमेंट भी हो चुकी है, 123 रुपये हमारे पास आ चुके हैं। तो फटाफट से भाई हमने अपनी पहली राइड तो कर दी कंप्लीट। तो भाई हम आगे सीधा पेट्रोल पंप पे, अब डलवाते हैं हम इसमें पेट्रोल। और भैया राइड बज रही है सेक्टर 62 की, तो भैया अभी तो टाइम लगेगा राइड पर, राइड बजने पे हैं। 132 लाइए बाबू जी, पेटीएम 132। बहुत जल्दी हो गया मैडम, कट कैसा हो रहा बार बार। अच्छा तेल चिपकते कट मार देता है। चलो मैम थैंक यू। तो भाई हमारी बसंती में डाल चुका है 132 रुपये का पेट्रोल, और अब ये चलेगी खूब दबा के कम कुछ ना तो कुछ ना, ये 500-600 रुपये का काम करके दे देगी हमें ये। तो भाई साहब मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया, मिशन फेल हो चुका है मेरा, और कैसे फेल हुआ है कैसा नहीं वो भी मैं आपको बताता हूँ। भाई साहब फ़ोन इतना गर्म हो चुका है कि बस पूछो मत ना, अभी इसकी स्क्रीन पे आप रोटी डाल दोगे ना भाई तो रोटी पक जाएगी, इतना गर्म हो चुका है। और ये भी मैंने इसलिए लगा रखा है जिससे कि फ़ोन ज़्यादा गर्म ना हो, इतना फ़ोन हीट हो चुका है कि बस पूछो मत ना, हाथ ना एकदम जल रहा है भाई, जिसे बोलते हैं जल। और फ़ोन गर्म होने की वजह से चार्ज भी नहीं हो रहा फ़ोन, 7% इसकी बैटरी है, और ऐसा लग रहा है कि जरा फ़ोन अभी की अभी फट जाएगा। तो इसकी जो जितनी भी सारी की सारी जो एप्लीकेशन है, जब ये फ़ोन गर्म होता है तो सारी की सारी एप्लीकेशन या ऑटोमेटिक फ़ोन बंद कर देता है, और इसकी जो लाइट जो होती है वो लाइट को भी एकदम कम कर देगा, तो ऑटोमेटिक कर देता है सारी की सारी ये सारी चीज़ अपनी बंद। तो भाई साहब बस पूछो मत ना, इतनी तेज़ धूप है कि बस हवा ख़राब हो चुकी है, और लगा लो फ़ोन मेरा इतना गर्म हो चुका है कि जैसे कि फ़ोन अभी के अभी फट जाएगा। तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ अपना सीधा घर, क्योंकि भाई साहब शाम को निकलूँगा अपने मिशन पे, फ़ोन इतना गर्म है कि बहुत ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता। तो भाई मैं तो आ गया हूँ सीधा घर पे। ओ भाई ये रहा फ़ोन, वो इतना ज़्यादा हीट हो चुका है कि कवर में से मुझे निकालना पड़ा ये फ़ोन। और देखो कितना परसेंट है फ़ोन, देख रहे हो, ये रहा 6%, पूरी की पूरी बैटरी ख़त्म इसकी, पूरा हीट फोन हो गया है जैसा बोलते हैं ना कि हीट। अब इसको करूँगा एकदम ठंडा, और शाम को निकलूँगा भाई अपने मिशन पे, क्योंकि धूप इतनी हो रही है कि बस पूछो मत ना, हालत ना ख़राब हो रही है। जैसे भाई मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, यहाँ पे लाइट भी भाग गई, देख लो अभी ब्लॉग देखने वाले थे हम अपना बाबू के बर्थडे वाला, लाइट यहाँ से ख़त्म। और यहाँ पे आ गया भाई मेरा खाना, तो आज बने हैं कड़ी पकौड़े साथ में, और भाई रोटी है। तो फटाफट से यार हम भी खाना खाते हैं और आप भी खाना खा लीजिए। तो भाई हम जा रहे हैं, दोनों भाई यानी कि सैंग के भाई भी आ चुके थे मेरे घर पे, तो भैया चलें अब जल्दी जल्दी ना करें। तो अब हम जा रहे हैं किसी मिशन पे, ठीक है, मिशन क्या है क्या नहीं वो हम आपको वो देने वाला है, टास्क देने वाला है कि मैं रैपिडो में वो करने वाला हूँ ड्यूटी, रैपिडो और उबर में है। अच्छा वो भी डोमिनार से भाई, वो खड़ी डोमिनार। तो अभी जो हम जॉन से मिशन पे में आने वाली है, हाँ अभी हम जॉन से मिशन में हम जाने वाले हैं ना, वो मिशन में आपको चलते चलते बताऊंगा, ठीक है। हम दोनों भाई निकल चुके हैं गुंडागर्दी करने के लिए, रास्ता बीच में हम जाएंगे आतंक मचाते हुए, और तांडव भी करते हुए जाएंगे दोनों भाई। और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भाई मैं जा रहा हूँ सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई मकान देखने के लिए कोई सेपरेट, क्योंकि मैं यहाँ से चेंज करने वाला हूँ, और क्योंकि मैं उस जगह लेने वाला हूँ जहाँ पे मैं आने वाले टाइम में अपने लिए घर खरीद सकूँ, अपनी पूरी फैमिली के लिए बढ़िया सा प्यारा सा एक घर ले सकूं, क्योंकि भाई अब ज़्यादा टाइम तो खैर नहीं बचा है, ठीक है, क्योंकि यार अब मुझे भी शादी करनी है, ठीक है, तो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं।
भाई हम दोनों भाई खड़े हुए देख आ जा भाई वो पीछे रह गया आ जा हिला डाला ना मैंने तो तुझे हिला डाला ना भाई यहाँ पे तो भाई फ्लैट ही फ्लैट बन रहा है यार। इंदर अपन की तरह सोसाइटी बनाई जाती है यहाँ पे, मतलब एक बार गेट में घुस जाओ तो भैया अलग ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे मिल जाए तो ठीक है। हाँ जी, तो भाई मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने, और ये जो मेरा दोस्त है बहुत ही बड़ा कमीना हो चुका है। मैं इसे इतने अच्छे अच्छे और बेहतरीन बेहतरीन विलास दिखा रहा हूँ, लेकिन विला पे पहुँच गए ना, तो हम विला देख रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं आ रहा, कोई इसे पसंद नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए पड़े हम भाई। अभी एक अंकल जी ने दिखाया था एक विला, पूछो मतलब उसमें तो इतनी ज़्यादा सीलन थी उसमें स्मेल भी मार रही थी बहुत बुरी तरीके से भाई। मकान ढूंढने में इतनी ऐसी तैसी हो जाती कि बहुत ज़्यादा, ऊपर से काम भी नहीं हो पाता, ऊपर से सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो बस हालत ख़राब है। चलो कोई नहीं, ये मिशन भी हमारा फेल हो चुका है। अब मैं तो निकल चुका हूँ अपना सीधा मिशन की तरफ, और ये भाई निकल चुके हैं सीधा अपने घर की तरफ। तो भाई देख रहे हो ट्रक कितने तेज तेज जा रहे हैं कि बस पूछो मतना। और भाई ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, अब थोड़ा मौसम में राहत है, ठीक है, अब इतनी गर्मी भी नहीं लग रही है। तो भाई अपनी ड्यूटी भी ऑन है, अब जैसे कोई राइड वगैरह बजेगी तो तुरंत भाई राइड को करेंगे कंप्लीट। तो भाई मैं तो आ गया हूँ सीधा अपने घर पे, भाई साहब स्नान वगैरह करके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है आज की बस पूछो मत ना, मतलब कि पूरा शरीर भभक रहा है। और बस आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लो कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। देखो इधर देखो, हमारे पिताजी ने पूरे शरीर में पाउडर पाउडर लपेट रखा है, देख रहे हो। कैसे लग रहा है तुम्हें आज? बढ़िया हूँ। आज गर्मी कितनी है? गर्मी आज बहुत ज्यादा, टेम्परेचर है बहुत ज्यादा ना, सड़क में ऐसे भी लपट लेकर रही है, देख लो। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पिताजी ने इतना पाउडर लगा रखे कि बहुत ज्यादा वाइट ही वाइट हो रहे हैं। चल चल हो गया ऑन, अब बोल तू ऑन हो गया, तू कैमरे में है, अब जो बोल। हल्ला मचा रहा बहुत देर से, डांट रहा है ये बहुत देर से, ले लाइट भग गई, अब हो जा खुश। तो भाई मैं आ गया हूँ शिवांश के पास, और देखो शिवांश भी मेरे पास आ गया है, देख रहे हो, देखो खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो जा। हाँ तो भाई टाइम हो रहा है 10:38 हो रही हैं, और आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट चेक होना सब्सक्राइब, और जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट। मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।